Hello everyone, today I'm going to teach you how to do a wedding dress illustration. So this is the illustration I uploaded, the wedding gown illustration. And from time to time I get a request for key what colors I use and everything. So normally main colors आई गेस दिखाती हूँ नहीं दिखाती हूँ स्पीड ड्राइंग वीडियोस में तो मटेरियल नहीं होता, तो मैंने सोचा है कि मैं हर ट्यूटोरियल में आपको एटलीस्ट ये दिखाऊंगी कि मैंने कलर कौन सा यूज़ किया है. तो सबसे पहले हम मटेरियल से स्टार्ट करेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है. सो द कलर्स यू रिक्वायर आर स्टेडलर पेंसिल कलर. आई एम यूजिंग स्टेडलर ब्रांड. ये 48 का सेट है. आप चाहें तो 12 का सेट आता है, 26 का सेट आता है, आप पे डिपेंड करता है. नहीं तो आप किसी और ब्रांड का भी पेंसिल कलर ले सकते हैं. सो इट्स टोटली अप टू यू व्हाट ब्रांड यू प्रेफर. आई एम यूजिंग स्टेडलर फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम, सो आई यूज दिस पेंसिल कलर. सो यू कैन गेट एनी पेंसिल कलर ऑफ योर चॉइस. And the second thing is the water color which I use, that is artist water color. Again ये 24 का shade का packet है. आप उससे कम का ले सकते हैं. And difference between a regular water color and an artist water color is just that the finishing of artist water color is much little better. I can say little better than our regular water color. So अगर आप starter हैं और आप शुरुआत से शुरू कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपके लिए एक्सपेंसिव हो रहा है, आप रेगुलर वाटर कलर भी यूज़ कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के. नेक्स्ट थिंग विच इज़ रिक्वायर्ड इज वाइट पोस्टर कलर. वाइट पोस्टर कलर आपको इंडिविजुअल भी मिल जाता है अगर किसी आप बड़े स्टेशनरी में जाइए या फिर किसी रेगुलर स्टेशनरी में भी 20 से 22 रुपये का एक कलर आता है. तो वाइट पोस्टर कलर आई एम यूजिंग फॉर दिस डिज़ाइन. अब लेट्स टॉक अबाउट द डिज़ाइन एंड द कलर एंड एवरीथिंग. सो अगर आप ये डिज़ाइन देखेंगे तो आपको इसमें दो हिस्से हैं ड्राइंग का. पहला अपर पोर्शन हो गया और दूसरा हो गया लोअर पोर्शन. अब ट्रिक क्या है, अगर आपने वाइट गाउन्स देखा होगा तो आपको लगता होगा कि अरे ये वाइट कलर का गाउन है. And how do you actually paint something which is white? For example, if something is totally white and if you paint white, you can't see the depth. अगर कुछ white है और उसको पूरा white color करेंगे तो आपको उसमें depth कहाँ से दे पाएंगे. Let's say इस white gown में white color की embroidery की का design बना हुआ है, लेकिन इस design में आपको वो सब कुछ दिख कर आ रहा है. अब मैं आपको रीज़न बताती हूँ कि आप कैसे ये चीज़ फिगर आउट करेंगे कि वाइट कलर की चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करना है. सो इफ़ यू लुक एट द टॉप ऑफ द ड्रेस, द टॉप ऑफ द ड्रेस इज़ वेरी फिटेड. अगर आप ऊपर पोर्शन देखेंगे ड्रेस का तो बिल्कुल चिपका हुआ है बॉडी से. जब आप नीचे जाएंगे ड्रेस में तो आपको दिखेगा कि ड्रेस में काफ़ी फॉल है और उसमें फोल्ड्स आ रहे हैं. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वाइट ड्रेस जब भी, स्पेशली वेडिंग गाउन, मैं आपको अलग अलग तरीके के वाइट चीज़ों का इलस्ट्रेशन बताऊंगी. पर फर्स्ट विल लेट स्टार्ट विद द गाउन. गाउन्स इन जनरल हैव अ लाइनिंग. इधर लाइनिंग ग्रे कलर में होता है पूरा और नहीं तो स्किन कलर में होता है. अगर आप इस वेडिंग ड्रेस में देखेंगे तो लाइनिंग आपकी जो है वो स्किन कलर की है. तो लाइनिंग जो है स्किन कलर का है और उसके ऊपर वाइट कपड़ा आ रहा है. तो इससे क्या होता है, ये जो स्किन कलर है विल गिव अ कॉन्ट्रास्ट सरफेस फॉर द वाइट एम्ब्रॉयडरीज. यू कैन सी. सो व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू डू हियर इज दैट वी हैव टू यूज़ द कॉन्ट्रास्ट फॉर द लाइनिंग टू सपोर्ट द वाइट कलर. उस वाइट कलर को सपोर्ट करने के लिए हमको लाइनिंग का जो अंदर का कलर है वो यूज़ करना पड़ेगा. तो आइए एग्जैक्टली कैसे हम करेंगे ये चीज़ मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ. यहाँ पर मैंने दो सिमिलर ड्राइंग्स किए हैं आपको बताने के लिए, जो मैं बोल रही हूँ उसको डेमो करके दिखाने के लिए आपको. तो पहले वाले को हम पेंट करेंगे कम्प्लीटली वाइट से और दूसरे वाले को हम पेंट करेंगे स्किन टोन से.
इसमें हम थोड़ा वाइट में ग्रे मिक्स कर देते हैं, क्योंकि वाइट एज इट इज़ आपको नज़र नहीं आएगा, तो मैं थोड़ा सा ग्रे मिक्स कर रही हूँ उस वाइट को थोड़ा सा शेड देने के लिए, बहुत लाइट सा, क्योंकि ऑब्वियसली ये पहला लेयर है तो आप ज़्यादा ग्रे मिक्स नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज ये पूरा ग्रे ग्रे हो जाएगा। तो लेट्स से हमने बेस को वाइट पेंट कर दिया है इसमें, अब नेक्स्ट वाले को हम बॉडी कलर के कलर से पेंट करेंगे। सो फॉर द स्किन टोन, हाउ विल यू गेट द स्किन टोन, आप स्किन टोन कैसे बनाओगे, मैं वो आपको कलर समझाती हूँ। सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ येलोज कम्स इन वाटर कलर, आपको ये सारे येलो की ज़रूरत नहीं है, आई जस्ट रिपीट द नेम ऑफ द कलर्स, फर्स्ट इज नेप्स येलो, सेकेंड इज रॉ सियाना, थर्ड इज येलो ऑकर एंड फोर्थ इज गोमेज यू। सो दीज आर फोर डिफरेंट काइंड ऑफ येलोज विच आई गॉट इन माई कलर पैलेट। अब अगर आपके आर्टिस्ट वाटर कलर, लेट्स से आप 12 का शेड खरीद रहे हैं, शायद आपको ये चारों कलर ना मिले, आपको इन चारों में से किसी एक कलर की ज़रूरत है। अगर आपको येलो ऑकर है आप में, या रॉ सियाना है, या नेप्स येलो है, आप इनमें से कोई भी येलो यूज़ कर सकते हैं, बट अवॉइड लेमन येलो, आप लेमन येलो का यूज़ नहीं कर सकते हैं यहाँ पर। सो आपको बेसिकली एक थोड़ा सा डल साइड का येलो यूज़ करना है यहाँ पर, जिसको हम कई बारी सॉइल कलर से कह सकते हैं, क्लोज होता है कलर, वो कलर यूज़ करना है। आप चारों येलो में से कोई भी येलो यूज़ कर सकते हैं, और आपको रेड यूज़ करना है इसके साथ में। मैं यहाँ स्कारलेट रेड यूज़ कर रही हूँ। इस पैलेट में मेरे पास दो तरह के रेड कलर हैं, एक स्कारलेट है, एक वर्मिलियन है। आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कहने का मतलब है इन चार येलो में से एक येलो और इन दो रेड में से कोई एक रेड। प्रपोर्शन क्या होगा, आपको दो पोर्शन येलो का चाहिए होगा और उसका हाफ आपको रेड चाहिए होगा, मतलब आप जितना येलो यूज़ कर रहे हैं उसका हाफ आप रेड यूज़ करेंगे, तो इस तरह का कलर आपको बनकर आएगा, एंड दैट इज़ द स्किन टोन कलर विल कम अप। सो टू पोर्शन ऑफ येलो, वन पोर्शन ऑफ रेड। ये सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए है, मैं बिल्कुल परफेक्ट कुछ भी नहीं बना रही हूँ, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है कि किस तरीके से एक कॉन्ट्रास्ट आपके डिज़ाइन में डेप्थ ऐड करता है। हम इसके सूखने का वेट करेंगे, और कई सारे लोग जो मेरा वीडियो देखते हैं वो कहते हैं कि उनको स्पीड ड्राइंग से समझ नहीं आता है, तो मैंने एक फॉर्मेट शुरू किया है। सबसे पहले जब मैं एक ड्राइंग पोस्ट करूँगी तो पहले वो एक मिनट का वीडियो मैं पोस्ट करूँगी, जिसमें कि वो स्पीड ड्राइंग में होगा, देन उसके बाद उसकी ड्राइंग कैसे करनी है मैं वो पोस्ट करूँगी, और फिर सेम ड्राइंग का ट्यूटोरियल वर्जन जो कि मैं इस गाउन के लिए कर रही हूँ वो पोस्ट करूँगी। तो अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि एक का जो बेस है मैंने वाइट कलर पेंट कर लिया है, और एक का जो है मैंने स्किन टोन कलर पेंट किया है। बैक टू द ड्राइंग, मैं इसके सूखने का वेट करती हूँ तब तक। बैक टू द ड्राइंग, आप यहाँ पर देखेंगे कि जो बॉडी है वो फिटेड है, और नीचे वाला पोर्शन जो है फ्लेयर्ड है। तो जब जो फिटेड बॉडी पार्ट है आपका, इट इज़ वेरी क्लोज टू योर बॉडी, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ सेकेंड स्किन। सो इन दैट केस यू सी अ लॉट मोर वाइट इन द फिटेड एरिया कंपेयर टू द फ्लेयर्ड पार्ट। जहाँ पर आपका वाइट बिल्कुल बॉडी से चिपका हुआ है, लाइनिंग से चिपका हुआ है, वहाँ पर आप ज़्यादा वाइट देखते हैं कंपेयर टू जहाँ पर फ्लेयर है, और फ्लेयर जैसे दूर होते जा रहा है वहाँ पर वाइट इंक्रीज हो रहा है। तो आपको ध्यान यही रखना है कि जब आप कहीं पर भी फिटिंग दे रहे हैं, उस एरिया में जो टॉप है, मतलब इसमें दो कपड़े हैं, एक जो नीचे वाला है और एक ऊपर वाला कपड़ा है, नीचे वाला कपड़ा अगर ऊपर, अगर आपका ड्रेस फिटेड है तो ऊपर वाला कपड़ा ज़्यादा डोमिनेट करेगा क्योंकि फिटेड है, लेकिन जहाँ भी फ्लेयर होगा वहाँ पे नीचे वाला कपड़ा डोमिनेट करना शुरू करेगा बिकॉज ऑफ द फ्लेयर। सॉरी, सो
सो लेट्स गेट स्टार्टेड. मैं आपको सिमिलर चीज़ें प्रिंट करके दिखाती हूँ. तो आपने दोनों में बेस मैंने कलर कर लिया है. अब उसके बाद जो भी पेंटिंग हम इसके ऊपर कर रहे हैं, जो भी एम्ब्रॉयडरी या जो भी वाइट कलर देना है, वो वाइट पोस्टर कलर में होगा. तो आइए देखते हैं वाइट पोस्टर कलर कैसे वर्क करेगा. ब्रश को डिप कर लिया है वाइट पोस्टर कलर में. अब आपका पेपर बिल्कुल सूखना नहीं चाहिए, थोड़ा सा गीला होना चाहिए ताकि आप आउटलाइन दे सकें. ये सिर्फ डेमो के लिए है. ये जो आप दूसरा पहला वाला वाइट देख रहे हैं, ये एक्चुअल कलर नहीं है, ये एक्चुअल तरीका नहीं है. मैं आपको बताना चाह रही हूँ इसके थ्रू क्या गलती है इस डिज़ाइन में और क्यों इसको पेंट करने के बाद भी इसमें भी चीज़ें नज़र नहीं आएंगी. तो मैंने एक आउटलाइन सा दे दिया है पहले वाइट पोस्टर कलर से. आप देख सकते हैं दोनों कलर इतना क्लोज है कि आपको वाइट आउटलाइन नज़र नहीं आ रहा है. अब स्किन टोन वाले में देखिए, सेम में मैं पोस्टर कलर यूज़ कर रही हूँ टू गिव द आउटलाइन और एड सम कलर टू द स्किन टोन. क्योंकि इस पोर्शन में आप देखेंगे तो चिपका हुआ है कपड़ा, तो वाइट दिख कर आएगा. अगर आप देखेंगे तो क्योंकि नीचे स्किन कलर है तो ये वाइट आपको दिख कर आ रहा है. अगर हम एजेस में वाइट डाल रहे हैं तो वो आपको दिख कर आ रहा है. वाइट पोस्टर कलर क्यों यूज़ कर रहे हैं, वाइट वाटर कलर क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वाटर कलर बहुत ईजिली पानी में मिक्स हो जाता है, तो वो जो एजेस, वो जो लाइन दिखाने की हम कोशिश करेंगे वो डाइल्यूट हो जाएगा वाटर कलर से, इसलिए हम पोस्टर कलर का यूज़ कर रहे हैं. तो इतने के बाद अगर आप कंपेयर करिए तो आप इस डिज़ाइन में ज़्यादा देख सकते हैं वाइट आराम से कंपेयर टू इस वाले में. अब आपने जब एक बार आउटलाइन जहाँ पे आपको वाइट देना था, आपने वहाँ वाइट देने के बाद आपको अब मोटिव्स जो है वो ड्रॉ करना है. अब इसमें देखिए, अगर मैं वाइट में वाइट पोस्टर से मोटिव ड्रॉ कर रही हूँ, कैन यू सी द डिज़ाइन? यू कांट सी द डिज़ाइन, क्योंकि वाइट में वाइट मिक्स हो रहा है. लेकिन हमने जिसमें ऑलरेडी कॉन्ट्रास्ट दे दिया है, अब मैं यहाँ पे अगर इस बेस पर अगर फ्लोरल डिज़ाइन प्रिंट करने की कोशिश कर रही हूँ पोस्टर से, तो वो विजिबल है, वो दिख के आ रहा है कि मैं यहाँ डिज़ाइन बना रही हूँ. इसमें आप कुछ भी करेंगे तो वो दिख कर आएगा. देख रहे हैं, आपको दिख कर आ रहा है चीज़. और जब आप फोल्ड्स वगैरह दे दोगे तो वो और ज़्यादा अच्छे से आपको दिखना शुरू हो जाएगा. तो फर्स्ट रूल फर्स्ट कि आपको एक कॉन्ट्रास्ट कलर के लाइनिंग का यूज़ करना है अपने गाउन में. आपको उसमें दिखाना है कि आप एक कॉन्ट्रास्ट लाइनिंग यूज़ कर रहे हो नीचे. वो लाइनिंग ग्रे भी हो सकता है. अगर आप ग्रे यूज़ करो, मैं एक और ऐसा भी ड्रेस बनाऊंगी जिसमें ग्रे लाइनिंग होगा, क्यों उसका एक सेपरेट ट्यूटोरियल बनाना पड़ेगा मुझे. लेकिन अगर आप स्किन टोन यूज़ कर रहे हैं तो आपका वाइट दिख कर आएगा. और हमेशा डिज़ाइन के लिए पोस्टर कलर यूज़ करिए. हमने यहाँ पर सिर्फ पोस्टर कलर यूज़ किया है. ये जो मैंने जैसे आपको दिखाया पेंट करके, ये पूरा पोस्टर कलर है और एम्ब्रॉयडरी पूरी पोस्टर कलर में. और जब आप एम्ब्रॉयडरी यूज़ कर रहे हैं उसमें आपको बिल्कुल पानी मिक्स नहीं करना है. आपको सॉलिड कलर लेकर एम्ब्रॉयडरी करनी है ताकि आपका डिज़ाइन दिख कर आए. अब एक तो हो गया पेंटिंग कंप्लीट होने के बाद, आपका जो फोल्ड है, वॉट एवर फोल्ड यू आर गिविंग, इट शुड कम इन वाइट, ऑफ वाइट एंड ग्रे. सो फॉर द ग्रे आई हैव यूज ग्रे पेंसिल कलर. आप ग्रे पोस्टर कलर का भी यूज, सॉरी, आप ग्रे, मैंने स्टेडलर का ये ग्रे पेंसिल कलर यूज़ किया है ग्रे लाइंस देने के लिए फोल्ड्स. क्योंकि जब वाइट कपड़ा फोल्ड होता है
तो उसके बीच का जो एरिया होता है वो ग्रे हो जाता है, क्योंकि उसमें लाइट पास नहीं होता है, तो डार्कनेस की वजह से वो ग्रे हो जाता है। ये जो एरिया जो लाइट के पास है, ये इस पर कम लाइट पड़ रही है तो ये हल्का ग्रे है, जब ये लाइट से दूर हो रहा है क्योंकि ये ज़्यादा फोल्ड है तो ज़्यादा ग्रे हो रहा है। यहाँ पर स्किन टोन भी डीप हो रहा है क्योंकि यहाँ पर लाइट कम है। तो ध्यान रखिए, लाइट अगर आपका सामने से आ रहा है तो उसके हिसाब से डार्कनेस जो है आपका बढ़ता जाएगा, यहाँ पर लाइट और यहाँ से डार्क होता जाएगा। मैंने नीचे में भी जो आपका ड्रेस है, ड्रेस के घेरे में भी आपको दिखाया है कि आपका जो लाइनिंग है, ये लाइनिंग वाला जो कपड़ा है उसका लाइन अलग आ रहा है और ड्रेस का लाइन अलग आ रहा है। तो जैसे कि आप सबसे पहले आपको जो है, सबसे पहले जो बेस है वो पूरा बेस आपको स्किन टोन में कर लेना है, उसके बाद वाइट लाइन्स देने हैं, वाइट आउटलाइंस देने हैं, बॉडी में ज़्यादा आउटलाइन आएगा क्योंकि ज़्यादा वाइट दिखा रहे हैं, और वो धीरे धीरे नीचे सिर्फ फोल्ड में चेंज होता जाएगा वो वाइट। उसके बाद आपको वाइट पोस्टर कलर से ये सारी एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट करनी है। एंड देन कंप्लीट होने के बाद फाइनली जहाँ जहाँ आपका कपड़ा जो वाइट कपड़ा दिख रहा है और उसमें फोल्ड आ रहा है, तो आपको ग्रे पेंसिल कलर यूज़ करके उस एरिया को फिल कर लेना है। सो इस तरीके से आप वेडिंग गाउन कर सकते हैं स्किन टोन में। मैं आगे और भी वेडिंग गाउन्स के इलस्ट्रेशन बनाऊंगी ताकि आपको डिफरेंट काइंड ऑफ वेडिंग गाउन्स कैसे डिज़ाइन करने हैं, कैसे कलर करना है वो समझ में आ सकेगा। होपफुली आपके आज के ट्यूटोरियल से आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, आपको समझ में आया होगा कि एक वाइड गाउन में डेप्थ कैसे देते हैं। अगर आपको ये वीडियो किसी भी वे में हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल वर्जन। थैंक यू सो मच।